हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ GTA 5। तो आज हमारे साथ टाइवेलर भी आ चुका है। तो टाइवेलर भाई सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? सारे ठीक हो ना? तो भाई आज हम फिर उस सीरीज में आ चुके हैं भाई, कबाड़ से गाड़ी उठा के हम लेके जाने वाले हैं रिपेयर कराने, उसको देखेंगे क्या निकलेगा। तो सुपर कार सुपर बाइक वगैरह हम ढूंढते हैं कबाड़ से। अच्छा, और भाई हम बिल्कुल कबाड़ के पास ही खड़े थे जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम गाड़ी रोकने वाले हैं क्योंकि हम कबाड़ के पास आ चुके हैं। तो यह भाई कुछ करो ना भाई। अरे भाई क्या करें, कुछ कहोगे तब ही करेंगे ना। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो हमारे साथ आप गाड़ी ढूंढो ना, तेज आओ यार, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से गाड़ी लेकर ठीक भी करनी है, तेज आओ थोड़ा, भागो थोड़ा। हेलो मैम। हेलो बेटा, कैसे हो, ठीक हो? आज कुछ है माल शाल कबाड़ी की तरफ से? तेरा बाप यार छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? नहीं बेटा, काफी दिनों से कुछ माल नहीं है, तुम देख लो अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो। ड्राइवर भाई फिर क्या रहता है, कुछ ढूंढे? समझ रहे हो आप? अरे ढूंढना तो पड़ेगा, इतनी दूर से तो आए, ढूंढने के तो जाएंगे ना, तो फिर ढूंढते हैं। अरे तुम थोड़ा जल्दी ड्राइवर, कुछ ढूंढ लो यार। अच्छा। अरे भैया ढूंढ ही रहे हैं ना, और क्या करें, तो फिर ढूंढो। तो गाइस यार यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अरे इस बस के अंदर कुछ होगा। अरे यार इसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो यार यहाँ पे भी कुछ नहीं पड़ा, इस बस के अंदर जरूर होना चाहिए कुछ। यार मैं चाहता हूँ कुछ मिले, सुपर बाइक सुपर कार कुछ भी। तो यह ढूंढते हैं। अभी इस कंटेनर में जरूर कुछ होने वाला है, और नहीं है। अबे टायर कहाँ चला गया? टायर वीरियर किधर है तू? हेलो। अरे साले तू किधर गुड़ी? अरे भैया मैं यहाँ पे हूँ ना। अरे भैया तुमने खुद ही टोका, कुछ ढूंढो, और वहाँ पे कुछ है प्लेन के अंदर, जल्दी से देखो। प्लेन के अंदर कह रहा कुछ है, तो जल्दी से हम टॉर्च निकाल लेते हैं। तो यार टॉर्च तो मैं घर में भूल आया हूँ, पर टायर कह रहे इधर कुछ है, इधर भी नहीं कुछ। किधर है टायर? अरे साले प्लेन के ऊपर देखो ना। अरे सच्ची में यार कुछ नजर तो आ रहा है। अरे भाई साहब ये तो कोई सुपर कार लग रही है टायर, तूने क्या ढूंढा? अरे भाई हम इतना भी नादान नहीं है। बहुत तेज हो रहा है। तो यार जल्दी से मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, गाड़ी के ऊपर चढ़ के इधर से हम जाएंगे, तब भी कुछ नजर आएगा। जल्दी से अपनी गाड़ी लेके चल, बोनेट पे चढ़ के वहां से ऊपर जाएंगे। अबे तुम रुको ना, तुम कहाँ आ रहे हो? तुम वहीं पे रुको। अरे मुझे भी लेते जाओ ना, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं जा रहे, इस पे चढ़ने लगा हूँ। अच्छा, फिर कोई मसला नहीं है। तो यार गाइस मैं गाड़ी के पास चढ़ आया हूँ, और भाई साहब तुम देखो, और सीट्स देखो यार, क्या गोल्डन लग रही है। अबे यार पर मुझे पता नहीं लग रहा गाड़ी कौन सी। जल्दी से मैं यार बैनी भाई के पास चलता हूँ, ओटा ट्रक लेकर आता हूँ, ठीक है? तो टायर किधर गया? अरे टायर बैठ बैनी भैया के पास जाना, ट्रक लेने, जल्दी आ। अरे भैया आ रहा हूँ। तो गाइस जल्दी से बैनी पास चलते हैं, बैनी भैया से वो जो ट्रक नहीं होता जिस पर गाड़ियां रखते हैं वो लेके उसके ऊपर रखेंगे इसको, और फिर हम इसको करेंगे रिपेयर, और बहुत मजा आने। तो गाइस यार हम बैनी भैया के पास आ चुके हैं, और जल्दी से बैनी भैया के पास चलते हैं। अरे टायर वीर, बैनी भैया किधर है? अरे पटाने नजर नहीं आ रहे। तो मैं देखता हूँ यार, बैनी भैया हेलो। अरे छोटे इधर गाड़ी के नीचे हूँ मैं। अरे छोटे, ओहो बैनी भैया, हेलो बैनी भैया। अरे छोटे कैसे, ठीक है? मैं ठीक, आप सुनाए? मैं भी ठीक। अरे क्या हुआ, आज मेरी याद आ गई तुझे? अरे बनी भैया आपका ट्रक चाहिए, उसमें गाड़ी रख के लानी है, खराब है, एक जली हुई गाड़ी, उसको ठीक कराना था, वो लेकर आनी है। अरे कौन सी गाड़ी? पता नहीं, आपसे ठीक करानी है। अरे ले जा ट्रक, वो खड़ा था सामने, वो वाला। हाँ वही वाला ले जा। तो यार गाइस बैनी भैया ने एक ट्रक हमें दिया, और कह रहे हैं उस पर जाके गाड़ी रख के ले आओ। तो जल्दी से इस ट्रक को लेते हैं और उस जगह पे लेके चलते हैं, और वहाँ चल के तुमसे मिलते। तो गाइस यार हम उस जगह पे आ चुके हैं, और भाई साहब गाड़ी वो हमारी उधर अंदर है, तो यहाँ पे हमें किसी तरीके से इस ट्रक के ऊपर रखनी है, इसको भी हम नीचे पीछे लेके जाएंगे, और ये जा रहा है पीछे, तो अभी इस पे हम रखेंगे। वैसे भी फ्रैंकलिन और टायर दोनों बहुत गंदी किस्म की जिम करते हैं, तो वो उठा लेंगे गाड़ी को, और वो मैडम से भी मदद करवा के गाड़ी को इधर ऊपर रखवाते हैं, और उसके बाद तुमसे मिलते हैं। तो यार गाइस हमने गाड़ी इसके ऊपर रख ली, और बिल्कुल परफेक्ट आ गई, और तुम लोग देख सकते हो यार क्या प्यारी गाड़ी है, पर मुझे नहीं पता ये कौन सी गाड़ी है, अगर तुमने पता लगा लिया तो कमेंट कर देना। और भाई साहब तो उसको जल्दी से रोड पे लेके चलते हैं, वहीं पे लेके जाने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इसको। ठीक है मैडम, गाड़ी हमने ले ली है, इसके कोई पैसे तो नहीं है? अरे इसको फ्री में ले जाओ, फजूल गाड़ी कब से इधर पड़ी हुई है, ले जाओ इसको फ्री में। व्हाट, यार हमें फ्री में मिल चुकी है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, बैनी भैया के पास ले चलते हैं, वो भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। और टायर कैसी लगी गाड़ी? अरे भैया ये तो मुझे एकदम कुछ स्पोर्ट्स कार लग रही है, मेरी तेरी स्पोर्ट्स कार? अरे हम दोनों की। और इंदा को बताएगा? अरे तुम्हारे साथ ये बिजनेस करके मुझे बहुत मजा आ रहा है फ्रैंकलिन भैया। अरे फ्रैंकलिन भैया तुम्हारे लोग सब्सक्राइब तो मैं नहीं करते। तो गई यार देखो मुझे लोग ताने मारने लगे, तो मैं सब्सक्राइब नहीं, तुम्हारे सब्सक्राइबर करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो तुम्हें सीरीज कैसी लग रही है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये यार सुपर वाली में काफी अच्छा रिस्पांस आया था, तो मैं चाहता हूँ कि बुगाटी के फैन तो बुगाटी में भी अच्छा खासा आना चाहिए रिस्पांस। तो भाई अभी हम उसको गोली गिरफ्तार में लेके जा रहे हैं बैनी भैया के पास, और क्या
तो यार सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये बैनी भैया। तो बैनी भैया कितना टाइम लगेगा इस गाड़ी को ठीक होने में? अरे यार इसको तो काफी टाइम लगेगा, बिकॉज यार तुम देख सकते हो उसकी हालत, टायर शायर भी इसके नहीं है, तो इसको सिर्फ 2 दिन लगेंगे तैयार होने में। पर तुझको ले जाइयो, 2 दिन बाद शाम को तेरे लिए सिर्फ ये खास ऑफर है। तो ठीक है भैया, मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा। अरे ठीक है ठीक है, चल टाइम भैया। अरे आ रहा हूँ गई यार, ये 2 दिन बाद मतलब सारा मामला सही होगा गाड़ी का। तो 2 दिन बाद अब मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। 2000 years later। तो हेलो गाइस, तो यार दूसरा दिन आ चुका है, 2 दिन गुजर चुके हैं, हमें अपनी बुगाटी दिए हुए, और आज हमारा तीसरा दिन है शायद, 2 दिन गुजर गए हैं, और आज देखो तुम कितनी रेन हो रही है, और वैसे टाइवेरे भी आज हमारे साथ है। टाइवेरे भैया 2 दिन से हमारे साथ कैसा लग रहा है? अरे बहुत ही मनहूस हो कसम से, बहुत गंदा लग रहा है। अरे टाइवेरे भैया हमारे साथ खुश नहीं है, तो जल्दी से अपने बैनी भैया के पास चलते हैं और गाड़ी का लाश लाद देखते हैं। और भाई साहब तुम्हें बता दूं, हम जेल में किसी खास बंदे से मिलने आए थे, पर वो तुम्हें आज नहीं बताऊंगा कि किस बंदे से मिलने आए थे, बिकॉज वो बहुत ही अंडरग्राउंड बंदा है जिसे मिलने आए थे। यार टाइवेरे बताइए भैया, गैस तो करो यार कौन सी गाड़ी होगी। अरे यार मुझे तो लग रहा रोल्स रॉयस होगी। अरे बस कर दो, रोल्स रॉयस होगी पक्का, देख लेना। नहीं यार मुझे लग रहा है लैम्बोर्गिनी होगी, बिकॉज यार लैम्बोर्गिनी जैसी शेप थी उसकी। तुम लोग भी कमेंट करके बताओ कौन सी गाड़ी होगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना रोल्स रॉयस होगी। अरे गुस्सा तो ना हो टाइवेरे भाई, तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो भाई साहब बैनी के पास आ चुके हैं, बैनी से बातचीत करते हैं। तो भाई साहब यहाँ हम गाड़ी पार्क करने लगे हैं, टाइवेरे का मैंने पीछे ही उतार दिया है कि जाके बैनी भैया से बातचीत करें। अरे कहाँ पे ये है बैनी भैया, किधर है? अरे वहाँ पे शेड के नीचे खड़े हैं बारिश से बच के। अरे अरे बैनी भैया को बारिश से बहुत डर लगता है। हेलो बैनी भैया। हेलो छोटे, ये देखो आज मैं बहुत फूके लगा रहा हूँ। अरे फूके ना लगाया करो, किसी दिन टपक जाओगे। और मेरी गाड़ी? अरे तू गाड़ी की बात कर रहा है बहन, 50 करोड़ रुपए की गाड़ी निकल आई है तेरी। अरे अरे भैया क्या कह रहे हो तुम? अरे टाइवेरे भैया तुम सुन रहे हो ये क्या कह रहे हैं? अरे हाँ सुन रहा हूँ, पता नहीं क्या बकवास कर रहा साला, या शायद रोल्स रॉयस निकल आई है 50 करोड़ की। अरे मेरी गाड़ी है किधर बताओ मैं देखूं। अरे पीछे खड़ी है देखा। तो यार गाड़ी देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। ओ ओ वाओ भाई साहब, तुम लोग भाई देख सकते हो भाई, मैं तुम्हें फर्स्ट पर्सन दिखाता हूँ। ओ हो 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 हो, अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या निकल आया? मोटर रोल्स रॉयस समझ आता है, रोल्स रॉयस की अम्मा निकल आई। रोल्स रॉयस की अम्मा नहीं है, रोल्स रॉयस का अब्बा है यार, और लैम्बोर्गिनी का तो दादा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाई साहब आ बैठ, अब बैठ टाइवेरे की लगे स्पीड टेस्ट करते हैं। और भाई साहब तुम लोग अंदर से देख सकते हो क्या खूबसूरत चीज है यार, हल्के हल्के सॉन्ग्स लगे हुए हैं। वाओ यार इसको तो मैं रेटिंग दूंगा 10/10 यार, क्या खूबसूरत गाड़ी है। अभी इसकी थोड़ी स्पीड टेस्ट करते हैं चल के। अरे जिमी भाई थोड़ी सी जगह साफ कर लेते हैं, जगह साफ करनी बनती थी यार, देखो हम कहाँ से लेके जा रहे हैं। तो गाइस 100 पे तो चढ़ गई गाड़ी, अभी देखते हैं रोड के एंड होने पे कितनी स्पीड लेती है ये। और भाई साहब जा रही है। यार गाइस गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, हमने इसमें लॉन्च कंट्रोल नहीं लगाया था, इसमें एक बार लॉन्च कंट्रोल लगा के देखते हैं कितनी स्पीड बनती है। रुको 2000 years later। तो यार गाइस हमने लॉन्च कंट्रोल भी लगा लिया, और बारिश भी यार बहुत ज्यादा रुक चुकी है, धूप तेज दाम निकल रही है। अब स्पीड टेस्ट करने में यार बहुत मजा आने वाला है। टाइवेरे तैयार हो? हाँ भैया तैयार हूँ, जल्दी करो 1 2 3 गो। ओ ओ ओ भाई साहब कंट्रोल से बाहर, सच्ची में यार कंट्रोल से बाहर जा रही है यार, लग गई है। तो यार तुम स्पीड दे सकते हो, अभी भी ऊपर जा रही है, रुक नहीं रही है स्पीड, और मेरे से गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो रही है, मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है। नहीं ओए ब्रेक नहीं लग रही यार इसकी। यार गाइस अभी गाड़ी फुल स्टॉक है, इसलिए हम इसको आम रोड पे ऐसे कुत्तों की तरह नहीं भगा सकते, बिकॉज इसकी ब्रेक हमें लगवानी पड़ेंगी, रेस पैड्स वगैरह। इसी और वीडियो में इसको मॉडिफाई करेंगे, तब इसको और ज्यादा भगाएंगे। पर अभी इसकी तुमने देखा लॉन्च कंट्रोल में 250+ स्पीड थी इसकी। तो भाई तुम्हें गाड़ी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। और भाई साहब यार अंदर से मुझे बहुत प्रीमियम लग रही है, तो भाई करेंगे कुछ इसका, तो प्लीज कमेंट करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए।